जयपुर में लगातार हो रही लूट की वारदातों को लेकर जयपुर वेस्ट को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने शहर के अलग अलग थाना इलाकों में हुई लूट की वारदातों का पर्दाफाश कर एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए ये बदमाश शहर में पेट्रोल पंपों, फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट, ट्रैक्टर चालकों और शराब ठेकों पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्त में आए इन बदमाशों ने नैनपाल सिंह गैंग और दिनेश सामौता गैंग के बदमाश शामिल है। इन बदमाशों ने 200 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि नैनपाल सिंह गैंग शहर में टैक्सी किराए पर लेकर हाईवे पर भी लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने नैनपाल के साथ ही 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिनेश सामौता गैंग मुख्य तौर पर कॉल गर्ल सप्लाई करने का काम करती है। अब तक ये गैंग करीब 150 से ज्यादा वारदातें कर चुकी है। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ जारी है। जयपुर शहर में लूट करके वाहन चुराना, लूटपाट करके पेट्रोल पंप से लूट करना, फाइनेंस एजेंट से फाइनेंस का सामान कलेक्ट करने वाले कलेक्शन एजेंट से लूटपाट करना, हाईवे पर ट्रकों को रोक करके उनके साथ लूटपाट करना, इस तरह की घटनाओं में शरीक 3 अलग अलग गैंग जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, उन 3 गैंग के 12 सदस्यों को जयपुर वेस्ट की टीम ने कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद गिरफ्तार किया है। 12 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें जो मेन मोडस ऑपरेंडी है इनकी वारदात करने की, वो एक तरीका है टैक्सी जो है, टैक्सी को हायर करना, हायर करने के बाद उसको एक सुनसान जगह पर ले जा करके टैक्सी चालक को ओवरपावर करना और ओवरपावर करके टैक्सी लूट लेना। ऐसी घटनाएं इन्होंने जयपुर शहर के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भी करी हैं।